तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल। मैं आपके साथ तलहा रज़ाक और आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। जिसने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शुक्रिया। तो गाइस हम आज जा रहे हैं मजर, वहाँ पर हमें थोड़ा सा काम है। काम करने के बाद फिर बाल वगैरह कटवाएंगे। बाल वगैरह कटवाने के बाद फिर और बहुत सारे काम करेंगे आज। और आइए चलते हैं। और ये देखें ना, तो सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं ये जी लाड़े वाला छप्पड़, जिसकी मैं आपको अक्सर वीडियो में बता रहता था। बाकी ये कैमरा भी अली भाई पकड़ेंगे और मैं बताऊंगा आपको इसकी सारी स्टोरी। तो गाइस ये ऐसा है कि जो से ये छप्पड़ है, लाड़े वाला छप्पड़, इसका नाम ऐसे था कि एक दफ़ा मेरे बुज़ुर्गों ने बताया था कि एक बारात, जैसे बारात जांझे, पंजाबी में बताऊँगा इससे सिंपली आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जांझ आँदी पई सी जी, लाड़ा लाड़े दी, तो लाड़ा से जांझ लैके आ रहा सी। उदों ये बहुत डूंगा, मतलब गहरा होंदा सी, डूंगा गहरा पंजाबी च डूंगा कहिंदे आ, इंग्लिश उर्दू च गहरा, ठीक है। ये उदों गहरा ज़्यादा होंदा सी, पानी च बहुत ज़्यादा होंदा सी। अजकल तो पानी बस इन्ना ज्यादा रह गया, अगे तो पानी बहुत ज़्यादा होंदा सीगा। ते वो कहिंदे कि जदों कोई शै उपर की होया, वो तो मैं अपने बजुर्ग तुहानूं वेख हैगे आ, उन्हां नूं मिलाउंदा जाके उन्हां दसंगे सारी स्टोरी। वो जी बरात पूरी पूरी अंदर आ गई, विचे लाड़ा तो विचे सारी बरात डुब के इतने मतलब फोत हो गई। तो उतो नाम चल पाया जिंदा लाड़े वाला छप्पड़ का। बाकी वो स्टोरी सुनने वास्ते अस ढंग लै जाने मेरे दादा जा रहे थे कब्रिस्तान, उन्होंने कहते हैं पंजाबी चाचा मौज वाली, मौजा वाली सरकार, उन्होंने को लै जाने तो दसते हैं कि अच्छा, मतलब तद भी छोटे होंगे सी उदों की कहानी है। सो गाइस हमने अब खत करवा लिया है और हम जाएंगे अब घर। मेरे साथ अली भाई भी हैं और अली भाई सुनाए। ये जी हमारे नाई नवीद साहब अल मशहूर हमाम, इनका बहुत अच्छी कटिंग करते हैं। अक्सर मैं और छोटा भाई इनके पास ही आते हैं, कटिंग करवाते हैं सब लोग। तो गाइस अब जाके नहाएंगे, नहाने के बाद मिलते हैं। और आज का व्लॉग यहीं पर ही खत्म करते हैं। तलहा जाकुम की इजाज़त, बहुत सारा ख्याल रखे, दुआओं में याद रखे, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।